जी मेरे साथ ये हुआ है कि मैं अपनी वाइफ का डिलीवरी के लिए 9 महीने से इलाज चल रहा था डॉक्टर सगुप्ता नाच के पास, जो यहाँ इंटरनेशनल होटल के पास जो है आपके पीछे दिख रहा है उनका क्लिनिक है। तो मैं अपने वाइफ को यहाँ पे एडमिट कर किया ला के, तो उन्होंने बोला कि सिजीरियन करना पड़ा क्योंकि 2 ऑपरेशन ऑलरेडी पहले हुआ था। तो मैंने बोला मैडम ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी का तो मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगा, आप सिजीरियन से करना चाहती हैं आपके ऊपर है, आप सिजीरियन कर दीजिए। मैं एग्री हुआ और उन्होंने तुरंत सारा अरेंजमेंट करके और सुबह मॉर्निंग में 10 बजे ऑपरेशन, यानी कि 10:10 यानी कल के डेट में उन्होंने ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन करने के बाद कल से अभी वो आई हैं, जब इतना बड़ा इशू हुआ है तो उसके पहले वो देखने नहीं आई थी। सुबह में आज के डेट में सुबह में मैं जब वाइफ के पास कंटिन्यू था तो मैं जाके देखा तो वो बोल रही है कि मुझे कुछ बेड पे गीला सा फील हो रहा है। तो मैं बोला कि हो सकता है पसीना वगैरह भी हो और यहाँ पे थोड़ा और भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ है और यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन सरकारी से बदतर ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने जो है जाके खुद से थोड़ा बहुत उसका कपड़ा हटा के देखा नीचे कि पानी है ये क्या है, तो मुझे ब्लीडिंग दिखा कि ब्लीडिंग पूरा उसके कपड़े में लगा हुआ है और चादर जो बिछा था पूरा ब्लीडिंग सा, वो चादर भी मेरे पास यहाँ पे है। तो मैंने तुरंत जाके नर्स को इन्फॉर्म किया, डॉक्टर तो यहाँ पे रहती नहीं है, वो चली जाती हैं अपने दूसरे नर्सिंग होम पे जो हॉस्पिटल रोड में इनका नर्सिंग होम है। तो नर्स आई और बोली कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये बादी खून होता है, बादी खून की वजह से थोड़ा बहुत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो डॉक्टर हैं नहीं, जैसा वो बोली मैंने उनको ठीक बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर उनके सगुप्ता नाथ जो डॉक्टर हैं उनके हस्बैंड आए राउंड अप पे, जबकि डॉक्टर हैं सगुप्ता नाथ और उनके हस्बैंड आके और पेशेंट से हालचाल लेते हैं, जबकि इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है पेशेंट से कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी डिस्कशन करने का। वो आए तो आने के बाद वो बोले कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो बोले कि हाँ वो ब्लडिंग हो रहा है। तो बोले कि ब्लडिंग हो रहा है, कैसा ब्लडिंग हो रहा है, तो ये है। तो ब्लडिंग देखे तो अपने स्टाफ लोगों को बोलने लगे कि तुम लोग लापरवाही किए, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किए कि पेशेंट क्या हुआ है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि ब्लड मैंने देख के और मैंने बोला कि इतना ब्लड जो वेस्ट हुआ है ये आप लोग की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा आक्रोशित भी हुआ क्योंकि 7.3 रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने जब बताया मुझे, तो मैं पहले ही मैं ब्लड देख के मुझे रिपोर्ट तो नहीं मिला था लेकिन मैं आक्रोशित हो गया था कि इतना ब्लड गिरा तो मेरा होमोग्लोबिन एक बार आप चेक करवाइए मेरे सेटिस्फाई मेरे संतुष्टि के लिए, कि ऐसा ना हो कि ब्लीडिंग और भी हो और पेशेंट मेरा 2 ऑपरेशन हो चुका है, एक सिजीरियन मतलब डिलीवरी का और एक नसबंदी का, दोनों मैंने ऑपरेशन आज ही कल के डेट में करवाया था। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा जो जाँच घर है मोना जाँच घर, आप उसमें जाके और एक जाँच करवा लीजिए होमोग्लोबिन का। ये खुद ही डॉक्टर साहब ने, तो उनका एक कंपाउंडर आया जाँच घर का और वो ब्लड लिया और मतलब 5 मिनट के अंदर मुझे रिपोर्ट लाके हाथ में दे दिया। तो हमको रिपोर्ट में क्लियरली दिखा 7.3 यूनिट ब्लड मेरे वाइफ का था। मैं बिल्कुल टेंशन में आ गया और डॉक्टर से जाके मिला कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, अभी और ब्लडिंग होगा तो मेरे पेशेंट के लिए जान को खतरा भी है और उसका थोड़ा ब्लड सेंसिटिव जल्दी मिलता नहीं है, ब्लड उसका बहुत मतलब रेयर में मिलता है ब्लड। तो उन्होंने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो ऑपरेशन में ब्लड उतना गिरता है, ऑपरेशन होता है तो गिरता है। बोले सर 4 यूनिट ब्लड किसी भी ऑपरेशन में नहीं गिरता है, मेरी और वाइफ का 2 ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है तो ऐसा इशू नहीं हो सकता है, आपके स्टाफ का लापरवाही है। तो सीधा बोल रहे हैं कि नहीं भाई वो होता है। तो हम बोले ठीक है, तो आप एक काम कीजिए ना, इस रिपोर्ट को मैं नहीं मानता हूँ, वो अपने ही रिपोर्ट को अपने ही जांच घर के रिपोर्ट को, अब वो जांच घर उनका है या किसी और का है इसमें मुझे डिटेल्स में भी कंफर्मेशन नहीं है, वो आप लोग के माध्यम से इंक्वायरी में मालूम चलेगा। तो वो बोल रहे हैं कि मैं इस जाँच को नहीं मानता हूँ, आप किसी और से एक बार जाँच करवा लीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो मैंने बोला कि सर आप किस जाँच घर को आप मान्यता देते हैं जिसके हम बुला के यहाँ पर करवा लें। तो उन्होंने बोला कि आप जो है किसी को बुला लीजिए। हम बोले ठीक है, सिवान में श्रीराम जांच घर जो है वो बेस्ट अभी है और हम लोग उस पर ब्लाइंड बिलीव करते हैं, उनको बुला लेते हैं। तो उनके एक टेक्नीशियन को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप यहाँ पे सैंपल आके ले सकते हैं, तो वो आके यहाँ वहाँ से सैंपल आके दिए और उन्होंने फिर मुझे आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट बताया। उसमें रिपोर्ट में था 9.5 होमोग्लोबिन मेरे वाइफ का था, सेम डेट में 1 घंटे के डिफरेंट में 7.3 इन्होंने बताया और 9.5 जो है वो श्रीराम जांच घर वालों ने बताया। तो इससे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा है ये यहाँ पे धंधा चल रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। जो गरीब फैमिली से आते हैं या जो भी इंसान आते हैं यहाँ पे, तो उनको ये लगता है कि हम एक भगवान के पास आए हैं। तो
उनको ये बताया जा रहा है कि आपका खून में कमी है, ब्लड उसका है 8.10 पॉइंट, उसको बताया जा रहा है कि आपका ब्लड बहुत कम है, आप दवाई खाइए। डॉक्टर के द्वारा बताया गया था कि आप इसमें जाके जांच। जी, डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था। और ये जो जांच घर है, मोना जांच घर के नाम से है, अब ये पता नहीं मोना का है या किसका है, लेकिन इन्हीं के बिल्डिंग में है और इन्हीं का एक पार्ट है, ये इनके अपने बिल्डिंग के अंदर ही है। और जांच घर भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। लापरवाही किसकी मानते हैं इसमें? लापरवाही इसमें दोनों की मानता हूँ मैं। जांच घर के रिपोर्ट के हिसाब से तो जांच घर वाला तो दोषी है ही, क्योंकि एक के पास 7.3 यूनिट का है और एक जांच घर के पास 9.5 का है। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे वाइफ का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है अभी, वो ठीक है, लेकिन मैं आप लोग के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो गलत हो रहा है ये नहीं हो, जो गरीबों के साथ ये अन्याय हो रहा है, लोग पैसा इकट्ठा करके ला रहे हैं अपने पेशेंट को दिखा रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है और उसको गलत बताया जा रहा है कि आप ऑपरेशन करवाइएगा, आपका ब्लड इतना होगा तो हम करेंगे। इसकी शिकायत आपने किसी? इसकी शिकायत मैंने अपने महादेवा ओपी थाना में, क्योंकि इनका एक क्लिनिक जो है ये महादेवा सॉरी ये अस्पताल रोड में भी है, सगुप्ता नाच का ही क्लिनिक है वहाँ पे चकिया रोड में, तो वहाँ भी इनका है। तो मैंने पहले इनके स्टाफ से बोला कि आप डॉक्टर साहब को बुलाइए, क्योंकि मेरी डॉक्टर जो है वो सगुप्ता नाच हैं, उनके हस्बैंड नहीं हैं, वो उनके डिसीजन पे मैं उनसे मिलने उनके मिलके बात करना चाहता हूँ। तरफ से भी लापरवाही हुई है जी। तो डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया जा रहा था कंटिन्यू, दो घंटे से मैं बोल रहा था कि मैडम को बुला लीजिए, मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैडम वहाँ से नहीं आ रही थी अपने दूसरे क्लिनिक को। इस तरह करने का क्या मकसद होगा? अब इसमें अब मैं ये तो बता नहीं सकता हूँ कि, लेकिन जो मुझे साफ दिखा कि ये गलत हो रहा है, यहाँ का जांच जो रिपोर्ट है वो बेबुनियाद है, गलत है, क्योंकि श्रीराम का भी है और मेरा दोनों प्रूफ मेरे पास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे तो पूरा प्रूफ भी दिखा सकता हूँ कि दोनों रिपोर्ट का सेम एक घंटे के डिफरेंट में ये रिपोर्ट मुझे मिला है और मेरे पास दोनों रिपोर्ट है। के ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? मैं जरूर कानूनी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो महादेवा ओपी थाना जो उधर एरिया में चकिया का जो एरिया है वो महादेवा ओपी थाना के एरिया में आता है, तो मैडम वहाँ से आ नहीं रही थी, तो मैंने वहाँ के थाना प्रभारी को फ़ोन करके बताया कि सर ऐसा ऐसा ये है। आपने डॉक्टर से बात की है? डॉक्टर अभी आई थी तो मैंने वही इनके क्लिनिक में बोला कि डॉक्टर अगर नहीं आएंगी तो मैं थाना को भेज के डॉक्टर को बुलवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो आ क्यों नहीं रही हैं मुझसे मिलें। तो वो लोग इनको जब इन्फॉर्म किया तो वो आई हैं और थाना को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। जो ये जांच घर के कर्मचारी है उनसे कुछ बात हुई? जांच घर के कर्मचारी एक था जो उसका नाम एक लड़का था, वो उसका नाम पता नहीं शमशाद या कुछ था, वो लड़का लॉक करके यहाँ से लापता हो चुका है। अभी इसके ऑनर कौन है कहाँ है मैं उतना डीप में नहीं गया हूँ, लेकिन जो बात था मैंने आप सच्चाई आपके सामने रखी है और पूरा एविडेंस मेरे पास है, प्रूफ है। अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुकद्दर हुआ, मेरा घर जो है दखिन टोला सिवान में है।